और हम भैया स्वागत है आप लोग हम लोग इस नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग आप लोग को दिखाएंगे जंगीपुर मार्केट। जंगीपुर मार्केट आप लोग को बता दे तो गाजीपुर की सबसे बड़ी आप लोग के लिए सब्जी मार्केट में भी और क्या कहते हैं थोक मार्केट में, जैसे कि अगर आप लोग को बता दे तो राशन पानी का भी और सब चीज़ों का थोक मार्केट जो है गाजीपुर की ये जंगीपुर मार्केट है। तो आइए आज हम लोग आप लोग को जंगीपुर मार्केट दिखाते हैं और दिखाएंगे यहाँ पे कितनी सब सब्जियाँ होती है, कितनी सब बिक्री होती है, जो कि हम लोग दोपहर टाइम पे आए थे। यहाँ पे शायद भीड़ थोड़ा कम रहेगी, पर हम लोग आप लोग को जंगीपुर मार्केट के बारे में पूरा दिखाएंगे और बताएंगे। ठीक है भाइयों, देखिएगा वीडियो पूरा अंत तक। यही पे सामान को लोडिंग होता है मार्केट का। यहाँ पे मार्केट जंगीपुर मार्केट आप लोग बता दिया जाए तो गाजीपुर सबसे बड़ी मार्केट है जंगीपुर मार्केट। और यहाँ पे आप लोग को हर एक चीज, मतलब गेहूँ चावल से लेके अनाज उनाज हर एक चीज की यहाँ पे मार्केट आप लोग को मिलती है। और इधर साइड देखिए यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है जंगीपुर मार्केट का। और इधर साइड देखिए ये सब किसान जिनसे केंद्र होता है और आप लोग को आगे बताएं भाइयों। तो इधर ये देखिए ये एक्सिस बैंक है जो कि आप लोग देख रहे हैं। और आगे इधर साइड हमको लग रहा है ये कोई मिल उल है क्या, मिल है राइस मिल है। और इधर साइड देखिए राइस मिल की दुकान है और हालांकि ये शाम के टाइम है तो बहुत ही कम भीड़ है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इसमें क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यही है जंगीपुर मार्केट। इधर साइड देखिए ये स्टेडियम है एक, यहाँ पे क्रिकेट विकेट होता रहता है। और ये नवीन मंडल स्थल जंगीपुर जो कि आप लोग देख रहे हैं यही है जंगीपुर मार्केट। अभी हम लोग दोपहर के टाइम पे आए हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, नहीं तो अगर हम लोग शाम के टाइम पे आते ना तो यहाँ भाई बहुत ज़्यादा। यही देखिए अभी हम लोग जंगीपुर मार्केट के अंदर घुस गए हैं, यही सब आप लोग देख लीजिए इधर साइड पर क्रिकेट। और इधर साइड आप लोग देख सकते हैं ये पूरा बाज़ार यहाँ पे लगा हुआ है जंगीपुर मार्केट में। और यहाँ पे सब्जी वब्जी की दुकानें जो कि अभी नाम मात्र दुकानें हैं। हम लोग आए हैं दोपहर के टाइम पे तो यहाँ पे नाम मात्र दुकानें हैं। अगर हम लोग यही अगर सुबह के टाइम पे आए होते ना तो भाइयों या फिर शाम के टाइम पे आएंगे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है भाई यहाँ पे, गाड़ी का पूरा एकदम जाम लग जाता है। सब पूरे कैरेट रखे हुए हैं बाज़ार में ही भरने के लिए। इधर साइड ये देख सकते हैं ये आलू पूरी, आलू पूरी की पूरी यहाँ पे लगी हुई है। और इधर साइड आप लोग को ये दिखाने तो इधर साइड ये देखिए प्याज पूरे ट्रक की ट्रक यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्याज लदी हुई है भैया। ये अभी दोपहर का टाइम है इस वजह से यहाँ पे बहुत ही कम भीड़ है, मतलब नाम मात्र भीड़ है। नहीं तो अगर यही अगर हम लोग अगर शाम के टाइम पे आए होते ना भाई तो पूरा एकदम भीड़ ही भीड़ रहता, इसमें घुसने और निकलने की जगह बाहर नहीं रहती, इतना ज़्यादा यहाँ भीड़ हो जाता है भाई। और ये जंगीपुर मार्केट आप लोग बता देते ये गाजीपुर की इकलौती मार्केट है, मतलब सब्जी के लिए और क्या कहते हैं और भी जितना भी किराना स्टोर का सामान होता है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रकार का किराना स्टोर का सामान और मार्केटिंग के लिए हर एक चीज़ यहाँ मिल जाता है, जैसे कि गाय का चोकर से लेके आदमी के खाने का अनाज तक पूरा यहाँ पे जंगीपुर मार्केट में आप लोग को उपलब्ध रहता है। इधर साइड आप लोग देख सकते हैं यही है जंगीपुर मार्केट का, इधर साइड स्टोर टाइप का पूरा बनाया गया है। और यहाँ पे आप लोग देखिए ये चोकर का यहाँ स्टोर है, यहाँ पे चोकर वोकर का है। और इधर साइड आप लोग देख सकते हैं इधर साइड अपना गेहूँ वेहूँ का पूरा स्टोर यहाँ रखा गया है। और चलिए हम लोग आप लोग को आगे रोड से दिखाते हैं जंगीपुर मार्केट का। इधर साइड देखिए भाई यहाँ से क्रिकेट हो रहा है, यहाँ पे लदी हुई कपिला पशु आहार की पूरी बॉडी। और ये देखिए यहाँ पे मैच कमेटी का पूरा बैठाया गया है, मैच भी यहाँ पे होता रहता है, यहीं का जंगीपुर मार्केट में ही फील्ड है। और इधर साइड आप लोग देख सकते हैं ये सब मैच का पूरा आयोजन किया गया है, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। अभी जो जंगीपुर मार्केट के अंदर जो मतलब जो नवीन जंगीपुर मार्केट के अंदर जो फील्ड है उसके अंदर और आए क्रिकेट, तो यहाँ पे बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे। हाँ तो भैया देखिए यहाँ पे लगी हुई है बसें, यहाँ से आप लोग को बता दे तो ये आजमगढ़ मऊ कुशीनगर देवरिया और गोरखपुर जाने वाली बसें जो होती हैं यहीं पे आपको मिल सकती हैं, क्योंकि जंगीपुर मार्केट से होके ही जाती हैं सब। आजमगढ़ की बस तो कन्फर्म है आपको यहाँ मिलेगी क्योंकि आजमगढ़ की बसें यहाँ से होके जाती हैं, यहीं से बिन्नू रूट होके आजमगढ़ की बसें जाती हैं। और इधर साइड देखिए बाबा गंगाधर बाबा स्मृति द्वार है जो कि कैलाश यादव की तरफ से बनवाया गया होगा, क्योंकि जितना भी गंगाधर बाबा स्मृति द्वार है वो कैलाश यादव ही बनवाए हैं और ओम प्रकाश सिंह बनवाए हैं ज़्यादातर द्वारा सब। और इधर साइड देख सकते हैं यही है जंगीपुर मार्केट पूरा एकदम आप लोग को जो हम लोग दिखा रहे हैं। और यहाँ से देखिए कुर्ता कुर्ती और फर्नीचर का पूरा दुकान है। और आगे आप लोग को दिखाएं तो ये सब दुकानें इसी लगी हुई हैं भाइयों, यहाँ पे हर एक चीज़ का
स्टील से लेके किराना तक का पूरा दुकान यहाँ पे लगा हुआ है, और हर एक दुकान यहाँ पे मतलब यहाँ पे वाजिब रेट में सामान मिल जाता है, मतलब एकदम जो रेट एक्चुअल होता है उसी के हिसाब से सामान यहाँ पे मिलता है। और इधर साइड आप लोग देखिए तो यहाँ पे आप लोग को जूट के बोरे वोरे और भी जितने भी सामान आपको चाहिए, और ये देखिए शादी ब्याह के जितने सामान चाहिए यहाँ पे सब मिल जाता है यहाँ पे जंगीपुर मार्केट के अंदर। तो भैया जंगीपुर मार्केट के अंदर आप लोग को शादी ब्याह से लेके हर एक चीज़ का सामान पूरा एकदम मिल जाता है, प्रॉपर एकदम पूरा, वो भी एक अच्छे रेट में मिल जाता है जो कि हर एक जगह नहीं मिल पाता है, यहाँ पे अच्छे से मिल जाता है। गाजीपुर के अंदर अगर आप लोग आए हैं मार्केटिंग करने के लिए तो यहाँ की भी मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए इधर साइड पूरा फल लगा हुआ है, यहाँ पे फल वल से लेके हर एक चीज़ की मार्केटिंग यहाँ जंगीपुर कर सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे आ चुके हैं यहाँ पे यादव मोड़ के साइड, हम लोग आ चुके हैं जंगीपुर मार्केट में। और इधर साइड देखिए ये बस आ रही है, ये सोनभद्र डिपो की बस थी, मतलब सोनभद्र डिपो की जो बसें हैं वो यहाँ पे आई हुई थी। और इधर लोग आ चुके हैं यादव मोड़ की तरफ पे, और इधर साइड ये देखिए ये फल का, और इधर साइड जितनी भी होंगी इधर साइड सारी बेकरी की दुकानें हैं, बेकरी और स्वीट्स की दुकानें हैं यहाँ पे, देखिए आप लोग ये देख सकते हैं। और यही मार्केट में यही सब घर हैं जो कि शायद इस रोड का भी चौड़ीकरण होने वाला है, तो ये सब साफ हो जाएगा पूरा। और इधर साइड आप लोग देखिए तो ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है इस मार्केट में, और ये जो आप लोग रास्ता देख रहे हैं ना भाई, ये रास्ता पूरा जाम रहता है। हाँ तो भैया देख सकते हैं यहीं पे पूरा एकदम भीड़ लगा था, जाम बहुत सकता है। ये देखिए आजमगढ़ डिपो यहाँ पे आके लगी हुई है, आजमगढ़ डिपो आप लोगों को बता ही रहे थे, आजमगढ़ गोरखपुर का ही रूट है, ये मऊ से होकर सीधे निकल जाता है, ये यहाँ से मऊ के लिए भी बसें आप लोग को मिल जाएंगे। और ये देखिए ये आगे एकदम पूरा इसमें जो जितने भी आप लोग दुकानें देख सकते हैं ये सब भी होल सेल की मार्केटिंग है, मतलब यहाँ पे आप सामान इकट्ठा भी ले सकते हैं, खाने पीने का सामान लेके हर एक चीज़, फल फूल जो आप लोग को बता रहे थे। ये देखिए इधर साइड फल फूल है, और ये अपना आ गया है, ये यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं यादव मोड़ पे, क्योंकि आप लोग देखिए ये भी ये है अपना यादव मोड़। और इधर के आगे ही यहाँ से जंगीपुर की मार्केट जो है ये आधी मार्केट खत्म हो चुकी है जंगीपुर मार्केट की, और आधी मार्केट जो है ये इसके आगे है, जो कि यहाँ पे एक के मार्ट खुला हुआ है, जो कि बहुत ही छोटा मार्ट यहाँ पे खुला गया है, और बहुत सारे ढाबा हैं छोटे छोटे जो कि यहाँ पे रहते हैं सब। और यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, इसके आगे आप लोग को मिल जाएगा जंगीपुर थाना, जो कि आप लोग हम लोग इसी वीडियो में आगे दिखाते हैं। जंगीपुर मार्केट के मतलब आप लोग को बता दें, जंगीपुर मार्केट करने के लिए शॉपिंग के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है, अगर आप लोग मतलब आपके घर में शादी वादी पड़ी है तो आप यहाँ से शॉपिंग बढ़िया से कर सकते हैं। और धीरे धीरे आ चुके हैं जंगीपुर थाने के, ये जो रोड आप लोग देख सकते हैं ये गोरखपुर से ये बनारस वाला हाईवे है, जो कि मऊ होकर निकल जाता है, मऊ गाजीपुर और सैदराजा से सैदपुर होकर निकल जाता है, यही है गोरखपुर का हाईवे जो है एक्सप्रेसवे है। हाँ तो भैया जंगीपुर ब्लॉग के लिए बस इतना ही, आप लोग से मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो पूरे देखने के लिए भैया धन्यवाद, और इसी तरह चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाइयों, ठीक है भाइयों, मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में।